गुड मॉर्निंग क्लास, यह आपकी संस्कृत का पीरियड है। हम लोगों ने कल गणपति स्तवन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कल गणपति की स्तुति के बारे में बताया था कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम जो है गणपति की वंदना करते हैं। आज हम लेसन नंबर 1, आपका टॉपिक है कवि कालिदासस्य चातुर्यम, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। कालिदास की चतुरता तो विश्वविख्यात है। आसीत आसीत पुरा काले एकः नृपः, प्राचीन काल में एक राजा था, तस्य नाम भोज आसीत, उनका नाम भोज था। तस्य राज्यसभायां 9 विद्वांस आसन, उनकी राज्यसभा में 9 विद्वान थे। ते सर्वे श्रुतिधरा आसन, वे सभी सुनकर ग्रहण कर लेने में समर्थ थे। किमपि श्लोकम एकम वारम द्विवारम वा श्रुत्वा ते कंठस्थम कर्तुम समर्था, वे कोई भी श्लोक एक बार दो बार सुन करके याद करने में योग्य थे। महाराजा भोज परिषद सदस्यानाम क्षमताम इमाम ज्ञात्वा इत्थम घोषणाम कृतवान, महाराज भोज परिषद के सदस्यों की क्षमता को जानकर यह घोषणा की। यदि कोऽपि कवि मम सभायां स्वरचितं नवीनं श्लोकं श्रावयेत् तर्हि 10,00,000 रूप्यकं पुरस्कारं प्राप्यस्यति इति। यदि कोई भी कवि मेरी राजसभा में अपनी रची हुई कोई भी नवीन नया श्लोक सुनाएगा तो ही उसे 10,00,000 रुपये का इनाम प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने आपको इस पैरे का अर्थ बताया है, उसी से संबंधित कुछ शब्द और अर्थ आपके लिए यहाँ हमने दिए हैं। जैसे है पुराकाले प्राचीन काल में, विद्वांसः बहुत से विद्वान, श्रुतिधरा सुनकर याद कर लेने वाले, स्वरचितम अपने आप रचित, परिषद सदस्यानाम परिषद के सदस्यों की, इसी से संबंधित आपके लिए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जैसे है नृपस्य किम नाम आसीत, राजा का क्या नाम था, क्या नाम था उनका, राजा भोज। भोजस्य सभायां कति विद्वांसः आसन, भोज की सभा में कितने विद्वान थे, तो 9, यानी 9 विद्वान थे। प्यारे बच्चों, अब आपको इसी शब्द अर्थ को अपनी एक नोटबुक बना करके लिखना है और साथ में उसे याद करना है, यही आपका होमवर्क है। और साथ में जो प्रश्न उत्तर दो हमने दिए हैं उसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।